हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिन्मय जोशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीआरजे ब्लॉग। इफ लाइक माय वीडियोस प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक लाइक बटन। एंड आज का ब्लॉग है, एक्चुअली हम जा रहे हैं झिलपिले और वहां जाके थोड़ा मस्ती करेंगे। इस ब्लॉग में इन्फॉर्मेशन देने लायक कुछ था नहीं, इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। वहाँ पे जो हमने मस्ती की है, वो जहाँ पे हमने जो एक्सप्लोर किया वही हम यहाँ पे दिखाएंगे, और आप भी देख के एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। सो चलो चलते हैं। अभी झिलपी लेक पहुंच चुके हैं। इसको अपने मेरे फर्स्ट व्लॉग में तो देखा होगा, इसका नाम तो बताऊंगा रजत पोशिट्टी, और इसको फर्स्ट व्लॉग में मेरे आया था। अभी हम दो चार फ्रेंड्स मिलके यहाँ पे झिलपी लेक में आ चुके हैं। मेरे बैक साइड में झिलपी लेक है, नागपुर के पास में एक अच्छा प्लेस है यहाँ पे मस्ती और हैंग आउट मारने के लिए। यहाँ पे ज्यादातर नेचर लवर आ सकते हो, क्योंकि आप रोड से अगर आप सामने जाओगे तो बोरधरन भी आता है, लेकिन उसको कवर नहीं कर सकते, वो एक्चुअली बहुत दूर है। लेकिन इसके पहले मैं यहाँ पे जब आया था तब यहाँ पे कुछ डेवलप नहीं हो रहा था, लेकिन अभी अच्छा खासा डेवलप हो रहा है। अच्छी मस्ती करने के लिए आने के लिए अच्छा एक स्पॉट हो सकता है। जो मैंने उधर बोला था कि हम थोड़ा ट्रैकिंग करते हैं, अभी वहां से ट्रैकिंग जैसी कुछ कर रहे हैं, थोड़ा चढ़ रहे हैं। सामने में एक पहाड़ दिख रहा है, वहां जाके थोड़ा चढ़ने की हम कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी यहां पे चलने, बहुत स्लिप हो सकते हैं। चल के यहां तक आए, थक गए, पूरा पसीना आ चुका है मेरे को। अभी ये जो दूसरा एक पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ने की सोच रहे हैं। इधर देख के तो थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन देखते करते, मेरा दोस्त भी आ गया, ये भी करना चाहता है मेरे साथ ट्रैकिंग। अब तक का कैसा लगा यहाँ से? बहुत ही मजा है, थकान भी बहुत आ चुकी है। देखते ये वाला कैसा जमता। तो अभी यहाँ का जो ट्रैकिंग किया है वो हमने डिफिकल्ट लगा थोड़ा सा। पहले एक पूरे पहाड़ पे हम ऊपर तक चढ़े, फिर बाद में वहाँ से उतरे। इतना ज़्यादा स्लोप था कि ऐसे लग रहा था कि हम सीधा नीचे ही स्लोप से निकल जाएंगे। तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही मजा आ रहा। और यहाँ पे मेरे जो सामने के दो भावेश और ईशान, वो मैंने वो तो एक्चुअली पूरे डर ही गए थे कि यहाँ से कैसे चढ़ेंगे। से अभी पूरी ट्रैकिंग करके हम यहाँ पे अभी वो लेक तक पहुँच गए। एक्चुअली हमारी जो बॉटल, पानी की बॉटल, वो हमने गाड़ी में रख दी। हमको तो इतनी प्यास लगी कि हमको पूरा ये पूरा इधर का जो पूरा राउंड मार के हमको उधर हमने गाड़ी रखी, वहाँ तक हमको जाना है। अभी हम यहाँ पे पहुँचे कि यहाँ पे एक एडवेंचर कैंप लगा है। एक्चुअली यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं एंट्री है क्या, क्योंकि मैंने बोला था कि उधर से हमको जो दिख रहा था वो एडवेंचर कैंप है। कैंप का नाम, यहाँ पे कैंपिंग होती है पूरे जगह से। जो एंट्री फीस है वो 1400 रुपये पर पर्सन है। वन नाइट वन डे कैंपिंग होती है यहाँ पे। स्कूल के बच्चे होते हैं यहाँ पे कैंपिंग होती है। जैसे यहाँ पे जो ये जो सब बच्चे दिख रहे हैं वो इरा इंटरनेशनल स्कूल बुट्टीपुरी यहाँ से आए हुए हैं। कैंपिंग लगी हुई है, देख सकते हैं। मैं उससे बाहर निकल चुका हूँ, कैंपिंग का एरिया था उससे हम निकल चुके हैं। जी यही झिलपी लेक के एक और एक बोलते कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी एक और एक लेक है, वहाँ पे जाके देख लेते। रास्ता नहीं मिल रहा था, फाइनली रास्ता मिल चुका है, इसने ही ढूंढ के लाया। इस तो कैंप बहुत अच्छा है, कैंप बहुत अच्छा है। मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए अलाव है, क्योंकि हमने यहाँ पे उनके जो गोश्त थे या सर थे उनसे हमने थोड़ा सा पूछा, तो बोल रहे थे कि यहाँ पे बड़े लोगों के लिए अलाउड नहीं है। तो सो जो भी नागपुर में जितने भी कोई भी स्कूल्स होंगे तो उनके स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा एडवेंचर कैंप झिलपी लेक के बाजू में ही जस्ट ओपन हुआ है, तो आ सकते।
साइड में, इस साइड में गार्डन है, गार्डनिंग हो रही है, और वो एक सामने में आप देख सकते हैं रेड कलर में वो एक रिसोर्ट है। यहाँ पे एक्चुअली बोलते हैं कि शाम के 5 बजे से यहाँ पे रुकने की परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर और लॉयन आते हैं, ऐसे बोलते हैं एक्चुअली, पक्का नहीं पता मुझे। सो जहाँ से अभी हम आए थे वहाँ पे पहुँच चुके हैं। एक्चुअली ये पूरा लेक का हमने गोल राउंड मार के जहाँ से हम निकले थे वहाँ पे वापस पहुँच चुके। यहाँ पे पीछे में देखो क्या लिखा है, कुत्ते से सावधान। अभी उधर से आके यहाँ पे जो रोड था पूरा यूटर्न वाला रोड था। दूसरा झिल्पी लेक है एक्चुअली, वो तो अंदर थे, हम गाड़ी कहाँ पे लगाए वो हमको डाउट में आ रहा है, इसलिए हम अभी अंदर से उसको कवर नहीं कर रहे हैं। वो सेम टू सेम जैसे मैंने फर्स्ट लेक दिखाया वैसी वो सेकंड लेक है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखाने लायक है नहीं, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा। आज का व्लॉग अभी ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा व्लॉग में, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि तभी आने वाले व्लॉग्स और वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड डोंट ड्रीम योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।